चलिए गुड मॉर्निंग एवरी वन सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर लाइक मोर डीपली सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट क्योंकि पिछली वीडियो में लाइक समझ नहीं आया था कुछ बच्चों को सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू एलेबोरेटेट इन दिस वीडियो इज सब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट सबसे पहले उस पर गौर कीजिए सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट ही क्यों दिया गया है नाम इस टॉपिक को जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एग्री करते हैं एक दूसरे के साथ तो दैट मीन्स सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट ओके चलिए फर्स्ट पॉइंट वेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कम्पोज ऑफ टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस कनेक्टेड बाय एंड यू इज अ प्रूरल वर्ब जब भी आपका कोई भी सेंटेंस है जिसका सब्जेक्ट मोर नाउंस एंड प्रोनाउंस दो से ज्यादा और एंड के साथ कनेक्ट है एंड कंजंक्शन लगा हुआ है उस सेंटेंस में तो उसके साथ प्रूरल वर्ब होगा दैट इज आर बट अगर आपके पास सिंगुलर नाउन नाउंस या प्रोनाउंस हों दो से ज्यादा ठीक है एंड आर और नॉर लगा हो तो आप सिंगर वर्ब यूज करोगे फॉर एग्जाम्पल इज द पेन द बुक इज ओके क्लियर आप रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके ओके चलिए थर्ड पॉइंट वेन अ कंपाउंड सब्जेक्ट कंटेन्स अ बोथ सिंगुलर एंड अ अप्रूरल और प्रोनाउन और नाउन ज्वाइंट बाय और और नॉर द वर्ब शुड एग्री विद द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज नियरर द वर्ब अभी जो भी सब्जेक्ट वर्ब के नियर होगा वो उस हिसाब से लगेगा लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने किया था जैसा आपका सब्जेक्ट होगा प्रुरल होगा तो सिंगुलर लगेगा एस और ई एस वो देखेंगे अगर आपका सब्जेक्ट प्रुरल हुआ तो वो सिंगुलर में लगेगा सिंगुलर हुआ सब्जेक्ट तो प्रुरल लगेगा सो हिज फ्रेंड्स है तो उसके हिसाब से फ्रेंड्स ज़्यादा है प्रुरल है तो सिंगुलर लगेगा रन अगर अभी नेक्स्ट में देखें द बॉय है तो बॉय इज अ सिंगुलर तो रनज लगेगा रन्ज क्यों लगेगा बिकॉज द बॉय इज सिंगुलर और रन आपका प्रुरल है फोर्थ डजेंट इज़ ऑल्सो नोन एज डज नॉट एंड डोंट इज नोन एज डू नॉट जो डज नॉट है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है ही डजेंट लाइक इट अगर आपका डोंट है डू नॉट है या डोंट है वो प्रुरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा दे डोंट लाइक इट ठीक है ये आप टेंसिस में भी यूज़ कर सकते कि ये चीज़ें आप ध्यान में रख के बट अगर आपके पास आई या यू आ गया उसके साथ हमेशा डोंट ही लगेगा ओके यू कैन रीड इट पॉज द वीडियो एंड जस्ट रीड ओके नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ डू नॉट मिसलेड बाय द फ्रेज दैट कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नॉट विद द नाउन और अ प्रोनाउन इन द फ्रेज अभी हम देखिए टॉपिक क्या कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट अभी एग्री किसको करवाना है सब्जेक्ट और वर्ब को सो so, हमें नाउन प्रो नाउन तो हमने देखना ही नहीं है सो so, हमने बस सब्जेक्ट देखना है उसके हिसाब से वर्ब लगाना है अभी लिखा है वन सो so उसके साथ इज आएगा द पीपल बहुत ज्यादा है तो आर आएगा द टीम कैप्टन एक ही होता है तो इज आएगा द बुक है वो एक होती है तो इज आएगा अगर द बुक्स होता तो आर आ जाता द वोमेन है तो अभी यहाँ पे वॉक्स क्यों आया बिकॉज यहाँ पे अभी सब वर्ब है वर्ब सिंगुलर के साथ प्रुरल वर्ब प्रुरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब सो वी हैव डन दिस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस नाउ सिक्स्थ, द वर्ड्स ईच ईच वन आई दर नाइदर एवरीबडी एनी एनीवन, एवरीवन, नोबडी, एवरी समवन नो बडी एंड नो वन आर सिंगुलर एंड रिक्वायर्ड अ सिंगुलर वर्ब अभी ये जितने भी सारे हैं ना इसमें हमने सिंगुलर वर्ब भी लगाना है हमेशा ओके ईच के साथ इज लगेगा ईच ऑफ दीज हॉट डॉग्स इज ज्यूसी एवरीबडी नोज मिसिज जॉन्स मिस्टर जॉन्स अभी एवरीबडी सिंगुलर है तो नोज लगेगा प्रल में आज करेक्ट इज सिंगुलर ओके चलिए परफेक्ट नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट देखते हैं नाउंस सच ए सिविक्स डॉलर मैथमेटिक्स मिस मीए मीए सिल्स आर न्यूज रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब्स अभी जो भी ये चीज़ें हैं इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हैं बिकॉज दे आर इन प्रॉपर नाउन ठीक है ना मैथ्स है तो ऑबियस है एक ही सब्जेक्ट है मैथ्स का और कोई नहीं कुछ है ठीक है ना सो so, न्यूज़ एक ही है सो so, इज आएगा बट इन अ डॉलर्स इट इज़ अ स्पेशल केस अगर हमने आपको लाइक like, दे दिया है कि हाँ जी फाइव डॉलर हैं फोर डॉलर डॉलर्स हैं तो दैट इज अ स्पेसिफिक अमाउंट कि इतने ही डॉलर्स हैं तो उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन लगेगा बट ठीक है ना जब हम अमाउंट ऑफ मनी कर रहे हैं बात की कितनी है तो इज सिंगुलर लगेगा बट अगर हम उस चीज को रेफर कर रहे हैं कि हां इतने रुपीज इतनी डॉलर्स इतने यूरेंस एनी यूर ओके सो so, ये इसके लिए हम आर यूज करेंगे डॉलर्स आर ऑफन यूज इंस्टेड ऑफ रबल्स इन रशिया एट नाउन सच एज सीजर्स ट्वीजर्स ट्राउजर्स एंड शेयर शेयर रिक्वाय प्रल वर्ब्स अब इनके साथ प्रूरल ही लगेगा अभी मैंने अगर कहा सीजर्स तो सीजर्स का मतलब ज़्यादा सीजर्स नहीं एक ही सीजर होता है ब्रिंग मी अ पेयर ऑफ सीजर्स तो एक ही सीजर लेके आओगे ना बहुत सारी दो या तीन पेयर है तो दो थोड़ी लेके आओगे दीज सीजर्स आर डल अभी ये जो मतलब जो सब्जेक्ट आपका प्रूरल में होता है हमेशा ठीक है ना वो सिंगुलर में नहीं होता ठीक है ना लाइक शूज़ ठीक है ना तो शूज़ इज इन प्रूरल तो शूज आर ठीक है तो इसमें आपका आर आ जाएगा और ट्राउजर के साथ भी आर आएगा ठीक है नाइन्थ इन सेंटें बिगनिंग देयर इज एंड देयर आर द सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब सिंस देयर इज नॉट सब्जेक्ट देयर जो है वो आपका सब्जेक्ट नहीं है बट द वर्ब एग्री इज विद दब्जेक्ट ओनली सो जो आपका वर्ब है वो एग्री करेगा जो भी फॉलो कर रहे हैं चलिए उसके बाद जो भी लिखा है सो अभी देयर आर मेनी क्वेश्चन अभी ज्यादा क्वेश्चन है तो आ रहेगा अगर एक क्वेश्चन है देयर इज तो इज आएगा आई यू लाइक अंडरस्टैंडिंग क्लियरली ना चलिए टेंथ पॉइंट अभी हम आ जाते हैं कलेक्टिव नाउम्स पे सो कलेक्टिव नाउम्स पे हम कैसे करेंगे कलेक्टिव नाउम्स आर वर्ड्स दैट इम्प्लाय मोर देन वन पर्सन बट देयर दैट आर कंसिडर्ड सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब Singular verb ही subject को एग्री करने के लिए ठीक है एग्री कब होगा जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सही लगे होंगे तब वो एग्री हो जाएगा ठीक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक है द टीम रन जाएगा सिंगुलर के साथ ठीक है कमेटी सिंगुलर है तो डिसाइड जाएगा द फैमिलीज अ लॉन्ग हिस्ट्री My family has never been able to agree. The crew is preparing to dock the ship. Okay. And our last and the final point we are coming on that is expressions such as with, together with, including, accompanied by, in addition to, or as well as, as well, do not change the number of the subject. If the subject is singular, the verb is to. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा प्रेजिडेंट एक ही है सो so, वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा अभी यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट जो वर्ब मैं बारी बारी वर्ब बोल रहा हूँ सो so, यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब्स भी वी आर सींग और हम एक्शन वर्ड्स भी देख रहे हैं ओके डोंट बी कन्फ्यूज की हेल्पिंग वर्ब रहा है नोज वगैरह भी आ रहा है ठीक है ना नोज सिट्स ये सारा कुछ भी आ रहा है सो so, वर्ब का क्या होता है वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब भी आते हैं हमने पिछली वीडियो में दैट इज पार्ट वन फॉर दिस वर्ब्स उसमें हमने किया है सारा लेक्सिकल वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स वो सारे जितने भी हैं वो वर्ब में आएंगे एक्शन वर्ड्स एंड मोडाल नॉन मोडल्स वो सारे आ जाएंगे ओके चलिए प्रेजिडेंट एक एंड ऑल ऑफ द बुक्स बुक्स बहुत ज्यादा है सो so आर आएगा ओके okay? चलिए सो so, Thank you for watching this video. Please like, share, and comment. Do subscribe and press the bell icon. Thank you all.